जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पाचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ठीक है, संस्कार व साहब के परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। इस ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन दो, तो अब वो ही कार्य पावर से होते हैं जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, एक घंटे में मनमाना दो टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और एक घंटे में ढेर ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए पावर से, वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से दो घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव ये है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको, अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, कबीर भगवान वाली शक्ति थे, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी, और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पावे थे, और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और ये जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे ना तिल बदे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं, 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे, और उसमें कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंजो जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है टीवी के ऊपर बोलने का समय, वे 1-2 लाख ने मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते, और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे, वो कोई ज्ञान से नहीं, ज्ञान तो परमात्मा की वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे, वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का, वो परमात्मा है, दयालु है। तो वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है, गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में ये सतगुरु भी निरे हो गए, जैसे ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं, और कक का पता नहीं अभी इसी अध्यात्म मार्ग का, तो इसलिए साचा सतगुरु कहा। काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते हैं, 9 मन सूत उड़ जिया ये ऋषि रहे जख मार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। तो ऐसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं, इस कलयुग में यो अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो,
भक्ति करियो चाहे ना करियो वो अलग बात है। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बध है किसी भी साधना से, आपके प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो चेंज वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा उसको खत्म करके मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारण का अर्थ ही होता है, पुण्यात्माओं आप अभी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो, जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे उसमें आपको जो भी आप कोठी बंगले कार बैंक बैलेंस और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना है हेतु तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना है, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोले सिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोले सिंगार, आज नहीं ते तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियारे, मालिक घर जाना है हेतु तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना है, तेरे साथ किए कितनी जाले तू क्यों लारी वारे, तेरे साथ की कितनी जाले तू क्यों लारी वारे, ये गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है हे तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना है हे तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे, सतगुरु हमारे बानिया है करते बणज व्यवहार, सतगुरु हमारे बानिया है करते बणज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़ है तोले दिया संसार, मालिक घर जाना है हे तू तो, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनकी जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर सोलह सिंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह सिंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए। तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं आभूषण हैं
ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमरण, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं सब एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी, तुझे जाना होगा। तेरे साथ की कितनी जाली, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ, जिन्होंने जिस सत्र की साधना की वही क्योंकि इस कबीर परमात्मा के ज्ञान से तो उस समय कोई परिचित थे नहीं कि कौन कौन मुक्त हुए, ना वो विश्वास मानते थे कि सचमुच ये मुक्त हुए हैं। हम किन को मुक्त मानते थे, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि जितने, तो उनके उदाहरण देकर बताए जाते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा बाई आदि ये महापुरुष, और तुम क्यों लारी वार, और गुड़िया खेलत जन्म गवाया, ओए होए तने लाया नहीं बेचार। अपना आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान से आप परिचित नहीं होते तब तक आपको यहाँ की कोठी, यहाँ के बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, गांव में प्रभुता और खूब आदरमान हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जिसमें आपको ये ज्ञान होगा उसमें आप देखोगे आपकी आत्मा एकदम यहाँ से उल्टी हो जाएगी, आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे ये। कैसे नहीं लगेंगे, जैसे अब तो बच्चे ऐसा नहीं खेलते, अब तो सीधे स्कूल जाने लग जाते हैं, 3-4 वर्ष के होते हैं उसको स्कूल भेज देते। पहले पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते थे, छोटी लड़कियां, हमने विशेषकर देखा जो बड़ी लड़कियों का विवाह हो जाता था उनके लिए घर पर टेलर बुला करके उनके कपड़े सिलवाए जाते थे, और उन कपड़ों से बचे हुए कटपीस, छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के कपड़े होते थे टुकड़े, उनको छोटी लड़कियां उठा लेती थी और वो नकल किया करती थी। क्या नकल करती थी कि जैसे पहले क्या करते थे, हमने देखा हमारे विशेषकर ये रीति थी कि लड़की जब अपनी ससुराल जाती थी उससे पहले उसका दुष्प्रचार करते थे दहेज। उसमें कहते थे 30 कपड़े, सूट, तील बोला करते आगे वालों की, यानी आगे ससुराल वालों में किसी सासू की, नंद की, पीतस की, तायस की, दादस की, ऐसे, और फिर वो आगे वालों की, और 20 लड़की की, वो अलग अलग कपड़े रखे जाते थे। तो वो लड़की छोटी सी क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ऐसे ही अलग अलग रख लेती थी कि ये 30 आगे वालों की, ससुराल वालियाँ की, और ये 30, अरे गुड्डा बनाती है, गुड़िया बनाती, उनका ब्याह करती, उनके साथ खेला करती थी। और उस जो उसने रखे हुए थे ना छोटे छोटे जितने टुकड़े जिनको वो सूट मान कर रखे हुए थी, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता एक दो उस टुकड़े को तो इतना बुरी तरह रोया करती, पैर पीटा करती, हाय मेरी तील उठा ली, मेरा सूट उठा लिया। जब उससे पूछा करते थे कहाँ से उठा लिया कि ये 40 थे, आज इसमें 2 घट गए वो टुकड़े। और जब उस वो बेटी युवा हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो फिर उसको पता चलता है, जब युवा हो जाती है उसको ओरिजिनल सूट का पता लगता है, ओरिजिनल दुल्हा और दुल्हन का पता लग जाता है, तो फिर उसको कहे के ले आजा खेल ले, इनके साथ वो कभी नहीं खेल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल खेल रहे हो, और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आ जाए एक प्लाट दिवाऊँ, नोगा बस भाई इब तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए। कहते कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे,
कुकर सुकर खर भया बोरे कौआ हंस बुगारे कोटि जन्म तू राजा की न्या मिटी न मन की आशा भिक्षुक होकर दर दर घूम्या मिला न निर्गुण रासा इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्म राया विष्णुनाथ केलपुर को जाकर फिर भी वापस आया असंग जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों न मर रे द्वादश मध महल मठ बोरे बहुर न दे धर रे दोजक बैष्ट सभी ते देखे राजपाट के रसिया तीन लोक से तिरपत नाही ये मन भोगी खसिया सतगुर मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना चल हंसा उस लोक पुठाऊं जो आदि अमर असथाना चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और सौ सौ कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनु तापम समरथ का शरणाग हो रंग होरी हो कबू न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो यानी उस समर्थ की शरण में आओ तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम रंग होरी हो, कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे, जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने कैसे कैसे जुल्म ढालने चाहे काल संस्कार ने और परमात्मा ने हट एक तरफ दो सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे कबीर भगवान की में आपको पूरा साथ देगा, यदि आपने मर्यादा भंग कर दी आपने कोई परमात्मा का नियम तोड़ भंग कर दिया तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, तो पुण्यात्माओं इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो कुछ भक्त ऐसे होते हैं दीक्षा ले रखी है मर्यादा भी तोड़ रखी है फिर भी सुखी महसूस होते हैं। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है, और एक ऐसा भक्त है दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है खंड हो गया, तो उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु होगी। अर्दीक्षित भी था लेकिन दीक्षा नहीं थी क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा, जिस दिन कनेक्शन कट गया किसी भी कारण से कट जाता है तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमरी आना काल लगे ना तेरा बाना, कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी काल तेरा अटैक नहीं हो सकता, और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्मा फिर काल ही काल है सब जगह पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे, कहीं उतर लो किसी साइड से गिर लो नीचे। तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये होती है परमात्मा जो भी आप परमात्मा के लिए लगे हो कोई दुख में आया है, यहां दुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
यानी रूंगे में आपको लाभ दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ का मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको ये सुख दें, लड़का दें, लड़की दें, कोठी दें, बंगले, और कोई कष्ट संकल्प संकट है, कोई तीन ताप से पीड़ित हो है, केवल इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी, ये हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। हमारा मूल उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने का, ये मूल काम है। इसके साथ साथ हम जो आपको यहाँ की जो और दुख हैं तो वो पहले निवारण किए जाते, ताकि आपकी आस्था बढ़े भगवान में, और उसके बिना आपकी आप भगवान को पहचान नहीं सकते। अब जैसे कोई ऐसे जादू जंतर करता था, सिद्धियां दिखाता था, तो धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान वो ऐसा संत है, ऐसे चमत्कार करता है। परमात्मा बोले वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। और फिर उसी समय परमात्मा ने कहा कि वो संत नहीं जिसे चमत्कार भी ना हो। ये पुण्यात्मा, एक तो चमत्कार करना ये तो महामूर्ख व्यक्ति के काम है, क्योंकि उसने केवल सिद्धियां ही इकट्ठी कर रखी हैं जो उसके लिए भी घातक हैं और अन्य के लिए भी वो घातक है, क्योंकि उस पर आश्रित हो गया कि वो बड़ा महंत और संत होगा। और फिर कहा कि वो संत ने जिसे चमत्कार ना हो, संत चमत्कार नहीं करता, आप व्याकर है, उसके पास इतनी समर्थ शक्ति होती है, उसका उद्देश्य चमत्कार करने का नहीं होता, उद्धार करने का होता है। और वो सुख वैसे ही होते हैं जिनको लोग चमत्कार मानते हैं, या तो बिना गिनती के होंगे आपके घर पे, क्योंकि यह समर्थ शक्ति का साथ रहेगा आपके साथ। तो क्या बताते हैं, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तक आप हमारी मर्यादा में रहोगे, आपको यहाँ के सारे सुख भी देंगे जिनको आप सुख मानते हो। अब पुण्यात्माओं, जो तीन ताप के कष्ट भी आपके कहीं नहीं कटे, यहाँ पर आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, सब जगह चले गए थे, किसी में प्रेत था, किसी में जिन था, किसी पर कोई देव था, किसी के ऊपर कोई पीर तंग करता था, किसी में भैरव ऊदता था, सब जगह जा चुके थे, लेकिन यहाँ आके सुख हुआ। हम ये उद्देश्य नहीं रखते कि ये सुख दें, ये तो आप होंगे, आपको ये तो पहले होंगे, क्योंकि जब तक आपके पैर में कांटा लग गया है तो कांटा निकालना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। अब जैसे आप पहले हम सुनते थे किसी भी संत के पास दुखी जाता था तो पहले तो अपने जंतर मंत्र बताता, ये कर दो, वो बोल दो, पांचों कपड़े रख दो, ऐसे श्राद्ध निकाल दो, ऐसा दान कर दो, मैं तुम्हारा मंत्र जाप करूँगा। जब कुछ नहीं होता था, लास्ट में ये कहते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ, आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर भी कहता था ले राम नाम का जाप करते ही रहना। अपने आत्माओं, जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है, कोशिश करता, उसके पास औजार नहीं है, उस कांटे को निकाल दें, और वो कहे कि कांटा तो निकल नहीं रहा, ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि गहरा चला गया है, अब ले जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता नहीं टिक सकता, पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जा कि फिर जूता मत निकाल देना, नहीं तो ये पीड़ा फिर आ जाएगी आपके ऊपर। तो फिर वो व्यक्ति उस पीड़ा से परिचित है और फिर वो कभी जूता उस मार्ग में निकाल लेगा। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी व्यक्ति यहाँ आते हैं सौभाग्य है उनका, जो सुख में आते हैं उनका भी सौभाग्य है, लेकिन जो दुख में आते हैं वो ज़्यादा स्थिर होंगे, क्योंकि सुख तो होगा ही होगा, ये तो सुखदायी भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है, ये दुख नहीं देता और सुख इतना देगा बहुत गुना आपको। और फिर थोड़ा सा यहाँ गाइडलाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि आप मार ना खा जाओ भक्ति मार्ग में, इस मार्ग पर टिका रहना कठिन है, उसके लिए आपको ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं और साथ में गाइडलाइन दी जाती है जो आपके इस भक्ति मार्ग में सहयोगी होंगे। अब कुछ भक्त
हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से रिश्तेदारों से को समझा बुझा के, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊँ बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुआण आया है और ये ठीक होया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा के से काफ़ी निकट सानिध्य का सुअवसर मिला है, और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय हैं। लेकिन हमारी, जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे, जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरु जी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते। उन्होंने उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली, फिर कहा, हमने कहा कि एक पाठ कराओ, फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको, दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर, भगत आए हुए खाना जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से, ये तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है पालन करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया, जहाँ बर्तन साफ करे थे, 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए, 10 साल हो गए उन बातों में। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लुआण की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़ें। एक कष्ट तो आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे या आपकी बहुत बुरा हल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा, आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है,
इसकी सिंचाई करो इस सत सत नाम की, इस मंत्र की, जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है और उसकी सिंचाई शुरू करता है, कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को, अगले दिन फल तोड़न की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं, आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो आप यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं, दान करो, पांचों यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं, आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप सौ सौ प्रकार की व्यवस्था करते हो, दो तीन दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक यज्ञ करने में लाखों रुपये लगा करते थे राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया, और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार आदमी बच्चा रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहां जाओ, अच्छा जी लेट जाओ, लेट गया जी, कपड़े उतार दो चेक करूंगा, लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ उसको, उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसने अपनी जान दिखाई देती। तो यहां जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फेरा बकवाद करे, दो मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बढ़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस आधार उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल पुण्यदायक होगा आपको। और फिर यहाँ पर पांचों यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, हैं आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, शिव पुराण विष्णु पुराण में आपको बताया है कि श्राद्धों के विषय में एक जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी अलग है दिखा दो ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं, योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए, तो
एक हजार जो ब्राह्मण बुला रखे हो ना सारा आत्म जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन पितरों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। और यहाँ आप सारे योगी हो और यहाँ जो आपके निमित्त दान होता है फिर आपको भोजन भंडारा होता है, तो इससे आपका भी उद्धार आपके पितरों तक का भी उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और पांचवी यज्ञ ज्ञान की। तो यहाँ पांचों यज्ञ करवाए जाते हैं आपको। आप प्रणाम यज्ञ है जैसे आप दंडवत प्रणाम करते हैं, लेकिन हृदय से करे देखा देखी करी हुई उस प्रणाम का पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे परमात्मा की वाणी में लिखा है जय गोपाल दंडवत करो बावे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से असला असल सलाम। हृदय दिल से पाक दिल से सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करो नम्रता से। नम्र देखो प्रणाम का उद्देश्य क्या है, आपको विनम्र बनाने के लिए कि इंसान में अभिमान ना रहे। और जब तक अभिमान रहेगा भगवान राज प्रसन्न नहीं हो सकता। और जैसे रावण ने जो साधना भक्ति की, पुण्यात्मा आप तो लाख जन्म नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी यहाँ से काट कर चढ़ा दिया, लेकिन एक त्रुटि रही उसने अभिमान नहीं गया और वो अभिमान उसको खा गया लेकर डूब गया। कुल का नाश कराया, अपना नाश कराया, भक्ति नाश करा लिया। तो सबसे पहले अपने भगत के अंदर आधीनी होनी चाहिए। एक प्रमाण बताया है परमात्मा ने, एक उदाहरण दिया है। एक अजाजील नाम का भक्त था, साधक था। अब जैसा हमने गुरु मिलते हैं हम उन गुरुओं को कंप्लीट मान के संपूर्ण मान के उसके आदेश का पालन कर लेते हैं। जीव की तो इतना ही काम होता है श्रद्धालु का। अभी इन्होंने क्या कर रखा है कि राम नाम की गाड़ी की ब्रांड में टिक रखी है। किसी ने तो एक पहिया ले रखा है व्हील, उसको घुमा रहा है, कहा जाइए राम नाम की गाड़ी तुम भी दिखाओ इसको। किसी ने एक स्टेरिंग ले रखा कि यह राम नाम की गाड़ी है। अब जैसे कोई हवन करते फिरते हैं कहते हैं यह भक्ति है। कोई सुबह शाम के नित्यनियम कर लेते हैं छोटे मोटे गीता का, कोई वेदों का, कोई कहते यही भक्ति है। ये सारी मिला के भक्ति बना है। तो उसको एक पहिया दे रखा था उसके गुरु ने कि बेटा प्रणाम करा कर, और प्रणाम करने से तेरा स्वर्ग में वास हो जाए। क्योंकि ये जो यज्ञ हैं जब तक हमें सत्साधना ना मिलती है स्वर्ग तक की साधना है। लेकिन हम इन यज्ञों को स्वर्ग के लिए नहीं अपने मोक्ष के लिए प्रयोग करेंगे। हम जिसका हमारे ऊपर कर्जा है उनको ये पकड़ा देंगे कि आप अपना ये ऋण पकड़ो, हमने तुम्हारे लोक में वो रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, हम आगे को चलने वाले हैं। उस अजाजील ने अपने जीवन काल में, पहले लाखों वर्षों की आयु होती थी, 1 अरब प्रणाम की, दंडवत प्रणाम लेट लेट के। और जब वो ऊपर गया विष्णु जी को इष्ट मानता था, विष्णु जी के लोक में गया। अपने आत्मा जो भी क्रियाएं आप यहाँ कर रहे हो, जैसा भाव आपका है आपके भी ऐसे परीक्षा होगी त्रिकुटी पर जाकर। और जैसी श्रद्धा आपकी इस दास के प्रति यहाँ होगी ऐसी वहाँ होगी, तो वहाँ परमात्मा आपको इस दास के रूप में मिलेगा। तो अजाजील नाम का वो श्रद्धालु जब प्रणाम करता था, प्रणाम यज्ञ किया करता था, उसमें इतनी भक्ति उस सतर की जो स्वर्ग तक जाने की और वहाँ पर पद पोस्ट पाने की, इस प्रणाम यज्ञ से इतना संग्रह हो गया उसकी भक्ति कि विष्णु जी के लोक में जब गया तो विष्णु जी ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा भक्ति की तूने, यानी बहुत अच्छी साधना की बच्चा, साधना के अंदर ही सारा कुछ आ जाता है। तो उसने कहा जी हाँ साधना खूब की, 11 अरब बंदगी कर रखी है मैंने। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी तेरे अंदर तो बड़ी सिद्धि भी आ गई है। अच्छा जी हाँ, एक बच्चा बना दे, एक लड़का उत्पन्न कर,
उसने कहा जी कैसे करूं मुझे तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा विष्णु जी ने कि ये कह दे कि नर भव, उसने ऐसे कह दिया नर भव, एक जवान लड़का सामने खड़ा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरे वचन से उत्पन्न है और ये तेरा पुत्र हो गया, वचन का पुत्र हो गया। अच्छा ठीक है, और खुश हो गया कि देख मेरे में कितनी शक्ति होगी। जैसे हम सुना करते थे कि वाल्मीकि जी ने जब सीता गर्भवती थी सीता जी, और वो निकाल दी थी भगवान रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि जी के आश्रम में गई थी, और वाल्मीकि जी उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ था लव, उसका नाम रख दिया। फिर काफ़ी लंबी कहानी तो आपने सब ने पता है। फिर वाल्मीकि जी ने एक लड़का कुश से बना दिया था अपने वचन से। आज के युग में तो ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि साइंस खा गई इनके बुद्धि ने, अध्यात्म वाली बुद्धि ने, लेकिन वो सही था। अब वो जितनी बैटरी चार्ज की थी वो उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो उसे भगवान या मोक्ष, भगवान नहीं बन गए वो और मोक्ष नहीं हुआ उनका। तो वहाँ जब वो लड़का हुआ तो बड़ा खुश हुआ कि स्वर्ग में मेरा एक पुत्र हो गया, यहाँ इसके साथ रहा करूँगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजील इसको प्रणाम कर दंडवत। अब वो तो उसका तो गेम में यही था, इसी मैच के कारण, गेम के कारण तो यूँ इस पद पर पहुंचा था। तो उसने बोला ना करूं इसको, क्यों भाई? भगवान बोले क्यों नहीं करे इसको प्रणाम, कि ना करूं, ये तो मेरा पुत्र है, मेरे वचन से हुआ है। अब भगवान विष्णु ने सोचा यू तो भाई फेल हो गया परीक्षा में, फिर भी उन्होंने सोचा चल थोड़ा सा इसको ग्रेस मार्ग दे देता हूँ, जब बुद्धि काम कर जाती इसकी। उस लड़के को अपने जहाँ वो खड़े थे एक बाउंड्री के अंदर, उससे परली साइड भेज दिया, और उसमें एक गेट था, इतना एक बाईपास रास्ता था, उसमें झुक कर जाना पड़ता था नो बाहर निकलने के लिए। वो लड़का तो परली साइड निकल के खड़ा हो गया। अब भगवान ने सोचा इस अजाजील को मैं इस गेट से निकाल ले चलता हूँ, और ये झुके गया ना, ऐसे झुक कर निकलेगा तो मैं मान लूँगा भाई चल इसका ये नाश ना होगा भक्ति का, जिस भी इसने भक्ति की है। तो भगवान भी समेत मुकट के झुक के निकल के उसका सामने लड़का खड़ा था, और अजाजील से कहा कि आजा अजाजील तुझे स्वर्ग की सैर करा के लाता हूँ। तो अजाजील बोला मैं सब जानता हूँ तू छलिया है, तो मेरी फिर मजाक करेगा कि देखा ना मैं झुक के निकलूंगा तो प्रणाम हो जाएगा मेरा लड़के को, और तो आप जो है ना मेरे साथ धोखा करना चाहते, मैं ऐसा अनजान नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं करूँगा, नहीं आऊँगा। तो परमात्मा बोले जा भूतनी के निकल यहाँ से, वो वहाँ से पटक दिया ठाक है, और सारी वह भक्ति कैंसिल कर दी। कहते हैं बेअदबी भावनी साहेब के ताही अजाजील की बंदगी पलमा ही भाई, जब प्रणाम कर रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर करा फिर वो अकड़ियों की नो खाक तो नहीं, वो साधना की क्या रिहर्सल किया। तो पुण्यात्माओं ये जो रिहर्सल आपसे कराई जाती है, कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर और पैरा पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से असला असली सलाम। तो इस प्रकार आपको यहाँ जो रिहर्सल कराई जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये आपके इस भक्ति रूपी सफर में कदम कदम पर आपका काम आओगा, ये प्लस और माइनस ये फॉल पॉइंट आपको बताए जाते हैं ताकि आप इस भक्ति को नाश ना कर लो। कहते जैसे माता गर्भ को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। आए है जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, लड़के या लड़की को परिपक्व करने के लिए। जब करवट लेती है रात ने, एकदम बिदक के उठे कि जो मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो, ऊंचे नीचे पर चलती है तब कहीं पैर ऊंचे नीचे पर ना टिक जावे, कोई ऐसा खाना ना खा लूँ जिससे मेरी गर्भपात हो जावे। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना और ठेस लगे तो छन हो तेरी ऐसे भक्ति जा। तो पुण्यात्मा इस भक्ति के साथ साथ सावधानी और मर्यादा अति आवश्यक है, तब आपको सफलता मिलेगी। तो सौभाग्य आपका, आपको सतलोक का आश्रम बरवाला माने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, और वो अनमोल ज्ञान और अनमोल साधना मिली जिसके लिए देवता भी तरस रहे हैं।
धन्य आपके मात पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस विश्व के अंदर प्रथम तो मानव जन्म दुर्लभ है और दूसरा सतगुरु सत्संग मिलना ये उससे भी दुर्लभ है। तो आप पुण्यात्माओं को वो दोनों ही पदार्थ सुलभ हैं, मानव शरीर प्राप्त है, सतगुरु और सत्संग प्राप्त है। तो पुण्यात्माओं आप बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं। यदि सतगुरु नहीं मिलते आप कितने ही पुण्यकर्मी होते, आपके सभी पुण्य एक दिन अक्षीण हो जाने थे। ये पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं युगों युगों से किए हुए शुभ कर्मों का जो आपका रिजल्ट होता है परिणाम है वो संग्रहित होता है और आगे फिर उस संग्रहित संग्रह करने के यानी पुण्य कमाने के कोई हमें साधन नहीं मिलते हैं तो उस पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म से युगों युगों से पुण्य इकट्ठे किए हुए है उसकी ऐसी स्थिति होती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर ली जाए और चार्ज फुल होगी और फिर चार्जर उसका है नहीं, आगे चार्जर नहीं लगाया या कोई कनेक्शन नहीं है उसका बिजली से, चार्जर भी लगा रखा है तो कनेक्शन ठीक ना हो, लाइट ना हो उस स्विच के अंदर, तो फिर क्या कैसा महसूस होता है, कैसे लगता है, उसके साथ कैसी कैसा धोखा होता है। बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज पहले की चार्ज है, इन्वर्टर चल रहा है, पंखे भी जग चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं और आगे इन्वर्टर भी लगा हुआ है, आगे चार्जर भी लगा दिखाई दे रहा है, स्विच में लगा रखा है, स्विच में लाइट है नहीं, पावर नहीं है उसके अंदर, तो उसको कब पता चलेगा, जब वो इन्वर्टर की बैटरी डाउन हो जाएगी, झटके मारन लगेगी और झटके मार के वो बंद हो जाएगा, सब सुविधाएं जो बल्ब जग रहे थे, पंखे चल रहे थे, कूलर चल रहे थे वो एकदम स्टॉप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं जो पुण्य पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी आत्माएं हैं, आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सफिया परवीन। बहन जी आप कहाँ से हैं? गया बिहार से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 29 तारीख 11वां महीना 2013। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? वही मुस्लिम धर्म के होने के कारण नकली पीर में वही साधना करते थे, उनसे जुड़ल थे, अलियास नाम था उनका। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए कि हमारे भगत जी को एक अजय भगत जी ने पुस्तक दिए, उनसे ज्ञान चर्चा होते रहा। भगत जी घर में आते थे तो हम बोलते थे नहीं, पति हमारे पति घर में आते थे तो बोलते थे कि नहीं। सो मुस्लिम धर्म में समाज के हिसाब से अल्लाह ताला आए हुए हैं,
हम बोलते थे नहीं, धरती पर अल्लाह ताला तो आप बोलते हैं कि बहुत से आए हुए हैं, इसलिए हम बोलते थे कि भगत जी कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, अगर पीर का दामन पकड़े हुए हैं तो हमको बोलते थे कि यही अल्लाह है, तो हम बोलते थे कि ऐसा कैसे होगा, अल्लाह ताला हमको पैदा किया है, इस धरती पर आए हैं तो धरती पर अल्लाह, सब आज ये मरेंगे तो कल दूसरा अल्लाह होगा, कल परसों वो मरेगा तीसरा अल्लाह होगा, आप तो सभी को अल्लाह ही बनाते हैं, अल्लाह तो एक है, तो इसके लिए मार धार घर में बहुत होता था कि नहीं यही अल्लाह, हम बोला कि अल्लाह तो हम मानवे नहीं करते हैं, अल्लाह बस ऊपर रहता है, अब अल्लाह नीचे ठीक है, अल्लाह एक रहता है, नीचे भी रहेगा तो एक रहेगा, कभी उसको अल्लाह बोलते हैं कभी उसको अल्लाह बोलते हैं, कितना यहाँ अल्लाह है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान तो हमको जिसको समझ में आए नहीं का, गुरु जी का ऐसा कृपा हुआ, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का कृपा हुआ कि हम नहीं बीमारी के कारण और नहीं दुखी के कारण परमात्मा ऐसा खिंचाव लिए कि मालिके जाने। बड़ा बेटा था बम्बई में तो फोन आया कि आपके बेटा सीरियस हो गया, हम बोले अरे हम तो सुबह बात किए हैं तो आज हमारा बेटा सीरियस कैसे हो गया भाई, तो हाँ सो सीरियस हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तीन डॉक्टर बदल चुके हैं, और दिमाग तो हमारा उलझाव था कि आप हिंदू का फोटो ला करके किताब ला के घर में धर दिए हैं और हमारे बेटा का तबीयत खराब हो गया है, तो भगत जी ने बोले कि कुछ भी करो, सो एक दफ़ा जहाँ हमारी या से जो पीर है उसके यहाँ जुड़े थे वहाँ फ़ोन करके पूछें कैसा ऐसा बात है, सो बाबा उनको कहते थे बाबा जी ऐसा ऐसा बात है, सो हमारे बच्चा का तबीयत सोनू का तबीयत बहुत सीरियस है, भाई कोई बात नहीं है सो दिखा लो बढ़िया से, तो फिर हमारे डॉट आया गरे 5,000 रुपया अभी तुरंत 2 घंटा में खर्चा किया, फिर बोलते हैं कि दिखा लो ये सही में ये खुदा नहीं है, यहाँ पर से हमारा कुछ परमात्मा ने दिमाग बदल गया, हम बोला कि नहीं ऐसा नहीं, फिर गुरु जी के पास संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान गंगा भगत जी ने लेकर और संत रामपाल जी महाराज का फोटो पर गुरु जी के पर मैंने दंडवत किए, तो हम सोचते थे ऐसे काय कर रहे हैं, हमको तो पता नहीं था क्योंकि हम पुराना रंग में रंगे भी थे, तो फिर दंडवत किए बोले कि सो आप अगर आप ही अल्लाह हैं तो हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए तब हम जानेंगे, इतने में भगत जी विश्वास नहीं होता परमात्मा जाने, हम तुरंत 10 मिनट के बाद फोन आ गया कि आपका बच्चा समीम नाम के उसी माने कि नकली गुरु से जुड़े हुए थे, बोले कि अरे आपका बच्चा कैसे ठीक हो गया, सो बाबा का कमाल है, हम बोले तो अब हमको विश्वास हो गया कि नहीं वे बाबा का कमाल नहीं है, यही जो फोटो में जो है ये अल्लाह यही का कमाल है, संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो था ज्ञान गंगा में इन्हीं का कमाल, हमको ना जैसे कि हमको किसी बारे में पता नहीं था कौन संत रामपाल जी हैं कहाँ पर इनका माने कि नाम दीक्षा दिया जाता है क्या होता है, ऐसे कहते कहते माने कि फिर सत्संग सुनने लगे, कहते कहते घर में कुछ बदलाव आने लगा, जब घर में बदलाव आने लगा तो वाकई में खुदा है, भगत जी बोले कि ठीक है आप मानिए चाहे ना मानिए हम तो बरवाला जाएंगे, हमको तो पता नहीं था कि बरवाला कैसा होता है, हमारे ठीक है आप जाइए, तब फिर बोल के घर में अचानक ये ईद का दिन पड़ गया, ईद का दिन पड़ गया तो सबके पास कपड़ा लत्ता सब पहन रहा, भगत जी बोले कुछ नहीं घर में होगा, तब संत रामपाल जी महाराज का कृपा था सही में कुछ नहीं नहीं ईद नहीं मनाए हम लोग घर में, कहा कि कमाड़ी बंद करके हम लोग बाल बच्चा सब रहे कि नहीं ये ज्ञान गंगा में कुछ नहीं लिखा हुआ है सो नहीं हमको करना है, भगत जी बोले तो हम लोग मान लिए, उसके बाद फिर दुनिया माला वाला बहुत किस्म का मजाक उड़ाया कि लोग क्या कर रहा ना कर रहा, तो हम लोग कुछ नहीं बोले गए, फिर भगत जी बोले कि मांस मछली अंडा ये सब खाना छोड़ दो, तो हम बोला कि ठीक है नहीं खाएंगे, इतने में फिर मेरा हमारा नंदोसी आ गया तो वह बोले लगा उल्टा सीधा, तो फिर हम लोग उसके बाद का किया नहीं किए, तो उस दिन से हमारा बंद हो गया, हम बोल देते कि आज दिन के बाद इस घर में मांस मछली अंडा ये सब नहीं बनेगा, उस दिन के बाद हम बंद कर दिए, कोई माने कि 3-4 महीने इस तरीके से नाम दीक्षा नहीं लिए थे, मगर हम मर्यादा किताब में निवादन तो पढ़ा नहीं थे मगर मर्यादा किताब में मोबाइल के जरिए चिप सुन करके हम निभा रहे थे, उर्दू पढ़े में है अरबी पढ़े में थे, हमारे पति जी बोले कि हमको जाना है, हमारा कहाँ जाना है, तो 3 महीना हो गया संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाना है, तो हम बोले कि ठीक है जब आप जा रहे हो तो हम भी चलेंगे, तो वो कह रहे अभी तो नहीं तैयार थी, अब तो बोली जाना मैं कि नहीं हम चलेंगे, तो हम बस सुबह में बोले सुबह ही में बरवाले के लिए को अजय भगत जी हैं वो आए, और हम भगत जी और 2 छोटे बच्चे को लिए बड़ा वाला मनला वाला कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सोचेंगे समझेंगे तब तो हम जाएंगे,
तो हम बोले कि छोड़िए इन लोगों को जबरदस्ती ना कीजिए, हम दोनों चलते हैं। हम दोनों गए, फिर हम सब लोग आश्रम में बरवाला में पहुँचे। पहुँचकर वहाँ फिर हम तो नाम दीक्षा नहीं लिए, मगर हमारे पति ने नाम दीक्षा ले लिए। तो फिर माइयों का अलग पंडाल था और माने कि भक्तों का अलग पंडाल था। तो हमने वहाँ पर बैठी हुए थे, एक भगतमती आए कि भगतमती आपको भगत जी ने आवाज़ दे रहे हैं। तो हम गए वहाँ पर, बोली कि कैसा लगा। तो इतना हम खराब आत्मा थे, हमको बोला कि हमको नहीं कुछ अच्छा लग रहा है, यहाँ तो सब हिंदू ही का सारा चीज़ है। तो इतना बोले तो भगत जी रो गए। तो हम सोचे कि अरे हम इतना भागन है, सो हम अपने पति को रोवा दिए। हम मन में एहसास किए तो ना उनसे बोले ना कुछ किए, हम नाम दीक्षा लेकर के फार्म जा करके भरा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? लाभ तो बहुत मिले भगत जी, लाभ जो कह दे तो आप मैक लेकर थक जाएंगे और हमारा लाभ भी पूरा नहीं होगा। एक दफ़ा की बात है कि समझिए कि हमारा जो मंडला वाला बच्चा है, एक नदी के तरफ जाने लगे, बस वहाँ पर सांप बैठा हुआ था, मार दिया। उसके बाद एक और धोबी का बच्चा था, उसको भी मार दिया। तो मार दिया तो ये बगल वाली बोली कि अरे मोनू को सांप काट लिया। तो हम डर गए कि कहीं लोग जगत है हल्ला कर लगे, सो नहीं बोले कि नहीं कुछ नहीं, बोले लेके झड़ाना फूकाना सो मार देगी, जवान लड़का है। हम बोला नहीं, हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में है, मरे चाहे बचे वो परमात्मा जाने। हमने इतना कह कह के हम दरवाज़ा लगा लिए। फिर प्रार्थना लगा, प्रार्थना में आदेश आया कि आप लोग घबराइए नहीं, संत रामपाल जी महाराज कहीं प्रार्थना लगा तो आवाज़ आया कि नहीं ऐसा नहीं करना है, सो आप लोग कुछ नहीं, मारे अपना भक्ति करिए और सब परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद फिर रात तो कट गया ठीक से, कुछ नहीं हुआ सर जी, संत रामपाल जी महाराज के दया से सब ठीक रहा। बस सुबह में जब हम जाते हैं बाजार, वही धोबी का लड़का को वही सांप काटा, तो देखें करे ठेला लेके जा रहा है, इसने करे काट गया तो क्या हुआ, सो से राज के बच्चा को तो सांप काटा, उसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया, वो तो बच गया। तो वो लोग भी नहीं कुछ माना। तो क्या हुआ कि जब हम सब्जी लाने जा रहे थे, देखे कि रोक के कोई चला आ रहा था, मतलब क्या हुआ, तो कहे इसकी सांप काटा था ना मोनू को, तो ये सांप काटा इसको तो मार गया। तो हमको बहुत वहाँ पर रोना आ गया कि आज मालिक के शरण में ना रहते तो हमारा बच्चा भी जीवित नहीं रहता, देखो वही सांप काटा आई मर गया। तो संत रामपाल जी महाराज के कृपा से आज हमारा बच्चा मालिक के शरण में जीवित है। पथरी हो गया था तो डॉक्टर यहाँ इलाज चला तो उसका ऑपरेशन बोला, तो परमात्मा यहाँ संत रामपाल जी महाराज यहाँ प्रार्थना लगा तो गुरु जी कहें कि अब परमात्मा दया करेंगे, तो समझिए कि सब बिना ऑपरेशन के हमारा बच्चा ठीक है। देखिए आप, हमारा बच्चा ठीक हो गया, आप रिपोर्ट देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद ये बच्चा हमारा ठीक हुआ है। डॉक्टर ने बोला था कि इसका ऑपरेशन होगा, मगर संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा का अर्जी लगाए तो ऑपरेशन से भी परमात्मा बचा लिए। हमारे पति नशा करते थे कि नकली पीर के जुड़ने के कारण, जब बुधवार आता था तो क्या करते थे कि घर को साफ करवाते थे और मीठ मंगाते थे और चाय बनवाते थे और खैनी मंगवाते थे, और रात में क्या नहीं क्या करते थे, बोलते थे 12 बजे रात में वो अपने के जो बताता था नकली वही करते थे और फिर अपने ही वो खाते थे। नशा बहुत करते थे कि एक डिब्बा मुंह धोने वाला गुड़ाकू डेली लगाते थे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग अनेकों चैनलों पर चलता है, नीचे पीला पट्टी आती है, आप उसको लंबर से ही करके आप अपना नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद जी, सत्संग। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें